बदनावर के ग्राम तिलगारा में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले उद्योग के खिलाफ सोमवार को तिलगारा के किसान उद्योग नहीं बनने को लेकर एसडीएम वीरेंद्र कटारे को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान किसानों और एसडीएम के बीच तीखी बहस भी हुई। एसडीएम कटारे ने कहा, सरकार करोड़ों रुपए लगाकर उद्योग लगाती है ताकि गाँव और सड़कों का विकास हो, इस पर तो और तुम लोग विरोध कर रहे हो। तुम किसी के चक्कर में मत आओ, खासकर राजनीतिक पार्टी के चक्कर में मत पड़ो। जिस पर किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम उद्योग नहीं बनने देंगे, हमें आपको अवगत कराना था सो करवा दिया। इस पर एसडीएम ने कहा, उद्योग तो लग कर रहेगा, आप यहां से जाइए। वहीं आदिवासी किसानों का कहना है कि संविधान के अनुसार जितनी भी सरकारी जमीनें हैं, इन सब पर हमारा अधिकार है, चाहे जो हो जाए हम उद्योग नहीं लगने देंगे। ज्ञापन समय भारी संख्या में आदिवासी किसान व ग्रामीण जन मौजूद थे। देते नहीं रोजगार और वहाँ का जो स्थिति खराब हो जाती है, जैसे बोराली में जो आदिवासी जो गांव है, आदिवासी नहीं दूसरे भी अदर गांव है, वहाँ की पानी की व्यवस्था और जो स्वच्छता जो है बहुत गंदी वाला हो गया। इस प्रकार से नर्क की तरह इससे जीना पड़ेगा। और हम हमारी जमीन को क्या है कि हम पर्यावरणीय, हम खुले वातावरण में रहने वाले लोग, वहाँ उद्योग लगेगा तो वहाँ कई प्रकार के जो हमको वहाँ से पलायन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। रोजगार नाम की चीज़ सरकार देनी नहीं चाहती। यदि रोजगार देती है तो 1.5 लाख 2 लाख के पद भर दे, जो खाली पद पड़े वो भर दे, दूसरे अदरवाइज जो है वहाँ पर रोजगार गारंटी में रोजगार दे। इस प्रकार के जो रोजगार के लालच में वहाँ पर हमको बेदखल करने की कोशिश है, हम वहाँ से बेदखल और वहाँ से हटना नहीं चाहते, ये हमारा निवेदन है सर। ये देश का विकास कैसे होगा अगर फैक्ट्री नहीं लगेगी? फैक्ट्री उचित स्थान पे लगे, बहुत सारे सिविल एरिया, ये कौन सा होता है सर? जैसे कि मालवा क्षेत्र अदर में लगाया जाए, आदिवासियों के क्षेत्र में क्यों, आदिवासी ही क्षेत्र क्यों दिखता है उद्योग के लिए? ऐसा है, आदिवासी क्षेत्र नहीं दिखता है। आदिवासी क्षेत्र दिखता तो फिर गंदवानी जाते और फलान जाते ढिकान जाते, ऐसा थोड़ी ना। और आप भी देखिए, आप कोई अलग थोड़ी ना, आप भी अपने ही है ना सभी। आप कैसे कह रहे हैं कि लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता, कैसे कह रहे हैं? नहीं मिलता। आज सुन 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 लो, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, है ना। वंडर सीमेंट में 50% यहाँ के, ठीक है, और कितने लोग पल रहे हैं वहाँ से। फिर आप आ जाइए कश्यप पे, कश्यप में अपने शहर के कितने लोग हैं ये आप देख लीजिए। फिर सर 10% भी आदिवासी हो ही वंडर में, क्या वंडर में 10% भी आदिवासी। सुनो यार, सुनो मेरी बात, सुनो, इस प्रकार की बात मत करो और समाज को बांटो मत, ठीक है। हर उसके लिए देखिए, वहाँ कौन है? आप लोग हैं, और तो कोई है नहीं, ठीक है ना। तो किसको लेंगे वो? आप एक आदमी वो इंदौर से लेके आएंगे या कहीं से लेके आएंगे, उसको निवास के लिए पैसा देना पड़ेगा, उनको घर बना के देने पड़ेंगे, तुम वहीं के रहने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि इतने वर्ष से शासन ने सबको, आदिवासियों को खासतौर पर पट्टे दिए हैं, है ना। आप कह रहे हो तो भूमिहीन, ठीक है, पट्टे दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं जांच कराऊँ ना, तो आप जितने नाम हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के पास पट्टा सरकार का निकलेगा, है ना। देखिए, हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रोकें, विकास को रोकें, मुख्य धारा में नहीं आए, ये कैसे संभव है ना? विनाश करके विकास संभव? देखो मेरी बात सुनो, किसी का विनाश, आजकल विनाश छोड़ दो। जैसे आपने बोराली की उदाहरण दिया, बोराली में तिलगारा में फूड प्रोसेसिंग की जो कंपनी का काम अभी चालू हो गया है, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे और गाइड और कहाँ जाएंगे, और हमारे पास एक इंच भी जगह दूसरी जगह नहीं है। तो हमारा मतलब सरकार चाहती क्या है हमको? या तो हमारा पलायन करना चाहती है, या फिर आदिवासी को जैसे तैसे ख़त्म करना चाहती हैं। तो मेरी यही मांग है और हम विरोध करते हैं, निवेश क्षेत्र निरस्त हो। क्या नाम आपका? राधेश्याम मंडलोई। प्राइवेट इंडस्ट्रीज खड़ी करना चाहती है शासन प्रशासन, हमारा पुरजोर तरीके से विरोध है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगे और हमारे आदिवासी गरीब भाइयों को वहाँ से नहीं हटाया जाए। इस मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अगला कड़ा रुख अख्तियार करेंगे।